तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बाथरूम के वॉल टाइल्स के डिज़ाइन देख रहे हैं, जो कि एक मॉडर्न लुक के साथ आते हैं। फ्रेंड्स, इसमें अगर कोई डिज़ाइन आपको पसंद आती है या आपका कोई क्वेरीज है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे सवालों का जवाब दे सकूं। तो जब भी हम बाथरूम को डिज़ाइन करते हैं, हम बाथरूम पर टाइल्स लगाते हैं, तो हमें दो तीन पॉइंट्स का ध्यान देना होता है, जिसे कि हम वीडियो में आगे जानेंगे। फ्रेंड्स, जब भी हम बाथरूम में दीवारों पर टाइल्स लगाते हैं तो हमें दो तीन पॉइंट्स का ध्यान देना होता है। तो सबसे पहला आता है कि आपको स्टाइल डिसाइड करना है कि आपके बाथरूम के लिए कौन सा स्टाइल बेस्ट है, तो आप पहले वो डिसाइड कीजिए। तो अगर आप टाइल्स लेने जा रहे हो तो अपना जो टाइल्स है, किस तरह का आपको डिज़ाइन चाहिए, या डेकोरेटिव बाथरूम्स में कई लोग जैसे सिंपल प्रेफर करते हैं, जो मिनिमलिस्ट, जो दूसरा कोई यूनिक पैटर्न्स जैसे जियोमेट्रिक पैटर्न्स आता है तो वो कोई कोई पसंद करते हैं। तीसरा आता है आपका डेकोरेटिव टाइल्स, तो जो इस वीडियो में मैंने ज़्यादातर यूज़ किया है तो वो ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि उनको एक बोल्ड लुक बाथरूम में दिखना अच्छा लगता है। तो दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपका दीवार का साइज़ डिसाइड कीजिए, तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है टाइल्स कितने साइज़ का आपके बाथरूम्स के लिए चाहिए। अगर आपका बाथरूम छोटा है तो मैं तो बोलता हूँ आप बड़ा टाइल्स सिलेक्ट कीजिए, ताकि आपका जो बाथरूम है और बड़ा दिखने लगेंगे वो टाइल्स लगाने के बाद। लेकिन जो बड़ा टाइल्स है वो फिटिंग करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है, लेकिन जो छोटा टाइल्स है वो दिखने में लुक्स भी अच्छा लगता है, लेकिन उसके लिए आपको ग्राउटिंग और कटिंग ज़्यादा करना पड़ता है। तीसरा है आपका बजट, तो आप जब भी आप कुछ टाइल्स लगाते हो तो आप अपना बजट पहले डिसाइड करके लीजिए। अगर आपको क्वालिटी मटेरियल्स अच्छा वाला चाहिए तो आपको थोड़ा बजट में बढ़ा के रखना पड़ेगा। अगर आपको थोड़ा मतलब ज़्यादा पैसे खर्चा नहीं करना है तो ये तो आप जब भी बजट बनाएंगे तो आपको एक क्लैरिटी मिलेगा कि कितना पैसा खर्चा होने वाला है, क्या है, ताकि बाद में आप जब भी टाइल्स लेने जाते हो तो आपको कोई तकलीफ ना हो। तो आप एक माइंड सेट बना के रखिए कि मैं कितना एक्सपेंस कर सकता हूँ, और फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपना टाइल्स बना के रखिए। मतलब चौथा हाथ तक कितना टाइल्स आपको चाहिए, बाथरूम के लिए कितना टाइल्स यूज़ होने वाला है, तो पहले आप बजट बना के रखिए, स्टाइल डिसाइड कीजिए कौन सा टाइल्स आपको चाहिए, डिज़ाइंस। और तीसरा है फिर कि आपके जो बाथरूम में कितना टाइल्स यूज होने वाला है वो काउंट करके रखिए, तो उसे स्क्वायर फुटेज ऑफ योर बाथरूम, सो उसे क्या क्विकली आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कितना टाइल्स यूज होने वाला है, तो आप माप करके लेके रखिए पहले। चौथा पॉइंट है, आप ज़्यादा लो क्वालिटी वाला मत लीजिए। कई लोग कैसे लो क्वालिटी का टाइल्स ले लेते हैं, फिर बाद में पछताना पड़ता है उनको, क्योंकि उसका मेंटेनेंस ज़्यादा आता है। पहले तो वो आपको सस्ते में मिलेंगे, लेकिन जब भी हम फिटिंग करने के बाद जैसे धीरे धीरे उसको पानी लगता है, या हम बाथरूम में जैसे नहाते हैं या शैम्पू करते हैं, तो उसका जो केमिकल्स है वो सब टाइल्स पर गिरने लगता है, तो धीरे धीरे वो पीला पड़ने लगता है, तो उसकी वजह से आपका जो बाथरूम का लुक है वो गंदा दिखने लगता है। तो आप सस्ता वाला ज़्यादा भी मत देखिए, मीडियम रेंज का भी मिलता है। इसमें मैंने जो टाइल्स यूज किए सब मीडियम रेंज के, और सिरेमिक टाइल्स है इसमें ज्यादातर। और दूसरा भी है स्टोन टाइल्स, वो भी ज्यादा यूज होते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग जो भी आपको सही लगता है आप उसके अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा अच्छा क्वालिटी का ही मटेरियल लीजिए, ताकि क्या कुछ अगर आप केमिकल गिरे टाइल्स पे, जैसे साबुन हो गया या शैम्पूज, हमारे जो कपड़े धोते हैं तो जो डिटर्जेंट पाउडर वगैरह गिरता है उसके ऊपर, झाग वगैरह, तो जल्दी ख़राब ना हो, ताकि आपको उसमें मेंटेनेंस में कोई खर्चा ना हो। नहीं तो क्या, अगर वो जल्दी ख़राब होगा टाइल्स, तो आपको फिर वो दूसरा निकाल के दूसरा फिटिंग करना है, तो आपका खर्चा भी बढ़ जाता है, टाइम भी बढ़ जाता है। तो आप जब भी लेते हो तो थोड़ा मीडियम रेंज का ही लीजिए अच्छा वाला। और कलर्स आप अपना पहले डिसाइड करके लीजिए, कौन सा डिसाइड कलर आपको लगाना है, आपके बाथरूम के लिए लाइट अच्छा रहेगा या डार्क रहेगा। कोई लोग डार्क कलर पसंद करते हैं, कोई कोई लाइट कलर पसंद करते हैं, तो अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट करके लीजिए। मैं तो बोलता हूँ लाइट कलर रहेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बाथरूम में जाएंगे थोड़ा उजाला दिखेगा आपको, डार्क कलर्स में क्या है आप अंधेरा अंधेरा लगता है, मीन वो इतना लुक भी अच्छा नहीं आता। लाइट कलर्स रहेंगे इसमें जो आपका डिज़ाइन, बाथरूम का डिज़ाइन भी अच्छा दिखेगा, बाथरूम भी बड़ा दिखने लगता है, और तीसरा जो आपको अंधेरापन नहीं लगेगा।
तो आप जब भी बाथरूम टाइल्स लगाते हो तो आप अपने वेंडर से पूछिए कि कितना खर्चा हुआ क्या है, तो आप उनसे एक एस्टिमेट कोटेशन पूछ के रखिए ताकि आपको आगे काम चालू करने के बाद कोई चेंजेस ना करना पड़े बजट के अकॉर्डिंग। तो आप उनसे फाइनल पूरा प्राइस पूछ के लीजिए कि इसमें कोई हिडन चार्जेस तो नहीं है, जैसे कि ठेकेदार कभी कभी शुरू में बताते नहीं है, जैसे काम चालू करने के बाद वो अपना एक्स्ट्रा चार्ज लगाना चालू कर देता है, ये नहीं वो नहीं। तो आप उनसे टोटली पूछ के लीजिए इसमें टाइल्स के साथ में और क्या क्या खर्चा आएगा, जैसे कि सीमेंट हो गया, कुछ पीओपी जो और भी कुछ लिक्विड्स आते हैं यूज करने के लिए, तो सब टोटल आप पूछ के लीजिए कितना खर्चा होगा, उनका लेबर कॉस्ट क्या है और कितने दिन में काम खत्म होगा। तो फाइनल आप उनसे पूछ के लीजिए कि कितना है फाइनल जो है लास्ट एंड लास्ट। तो आप, मैं तो बोलता हूँ आप दो तीन वेंडर से आप कोटेशन मंगा के रखें ताकि आपको एक आइडिया मिल सकेगा कि मार्केट में क्या रेंज चल रहा है, क्या प्राइस है। तो आप उसमें जो भी, अगर आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट उसमें पसंद आता है तो आप उसके साथ बैठ के बार्गेन कर सकते हो, क्योंकि अगर आपके पास दो तीन ऑप्शन अवेलेबल है तो फिर आप उसको बोल सकते हो कि सामने वाला मेरे से उस कम ले रहा है पैसा तो आप इतना महंगा, तो वो धीरे धीरे वो भी बार्गेन करेगा, फिर कम हो जाएगा। तो आप दो तीन जन से कोटेशन मंगा के रहिए, वो बेटर रहेगा आपके लिए। और आपका कोई सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे सवालों का जवाब दे सकूं। तो फ्रेंड्स, यदि